हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमारी टीम आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुकी है जिसका हेडिंग है ना हुई करौली। स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 8 की जो बुक है अपनी ज़बान NCERT बेस पर स्टूडेंट्स सिलेबस की बुक है CBSE बोर्ड की स्टूडेंट्स। इसका चैप्टर नंबर 3 है ना हुई करौली और उसका हल। इसके सारे सोल्यूशन को देखेंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में जो भी सोल्यूशन दिया हुआ है उसको हल करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो हम बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स बिना किसी टाइम जाए के हुए। सबसे पहले एक्सरसाइज का पार्ट है स्टूडेंट्स माना याद कीजिए। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला मीनिंग दिया हुआ है अजीब, इसका मीनिंग क्या होगा अनोखी, किस कोई भी चीज़ अनोखी है यूनिक होती है उसको अजीब कहा जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है यूरिश, इसका मतलब होगा हमला या फिर कहें तो चढ़ाई, दोनों में से कोई कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है बसेरा, तो इसका क्या होगा सराय या फिर ठहरने की जगह स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गलबा, तो गलबा का मीनिंग क्या होगा छा जाना, गलबा का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स छा जाना। नेक्स्ट है हड़बों, उधम बाड़ी, फितना परवाज, शोरोगुल स्टूडेंट्स इसको कह सकते हैं आप। हवाली मवाली, तो खुशामदी साथ रहने वाली, खुशामदी कहें आप या फिर साथ रहने वाली। नेक्स्ट है खातिर तवाज़े, खिलाना पिलाना यहाँ बतौर तंज पिटाई मुराद है, यहाँ मजाहिया तौर पर खातिर तवाज़ों की मुराद अगर चैप्टर के हिसाब से देखें तो पिटाई मुराद है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमियत, गैरत, हमियत का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स गैरत। फिर नेक्स्ट है सदमा, तो इसका मीनिंग क्या होगा दुख, सदमा का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स दुख। फिर नेक्स्ट है करौली, शिकारी का चाकू, करौली किसको कहते हैं स्टूडेंट शिकारी का चाकू या फिर कहते हैं ख़ास तरह का चाकू जो मुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारे एक्सरसाइज का पार्ट, सोचिए और बताइए, मतलब जो भी सवाल और जवाब है क्वेश्चन एंड आंसर्स है हमारे बुक में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में उसको हम हल करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है मियाँ खूजी किसके साथ और कहाँ आए हुए थे स्टूडेंट्स, इसका जवाब देख लेते हैं। मियाँ खूजी अपने दोस्त आज़ाद के साथ लखनऊ आए हुए थे, मियाँ खूजी अपने दोस्त के साथ आज़ाद के साथ लखनऊ आए हुए थे स्टूडेंट्स। सवाल नंबर सेकंड है हमारा, दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स खुजी जहां ठहरे हुए थे वहां क्या हादसा पेश आया, इसका जवाब देख लेते हैं। मियां खुजी जिस सराय में ठहरे हुए थे वहां के खाट में काफ़ी खटमल रहते थे, मियां खुजी जैसे ही खाट पर सोए खटमल उनको काटना शुरू कर दिया जिसकी वजह से वो रात भर ना सो सके, जब उन्होंने चिराग जलाकर देखा तो बहुत ज़्यादा खटमल उनके बिस्तर पर चल रहे थे जिसको देखकर वो गुस्सा से तिलमिला उठे और चिल्लाने लगे स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 3 है हमारा सराय में कोहराम क्यों मच गया, तो इसका जवाब देख लेते हैं। मियां खुजी सराय के खटमलों से परेशान होकर जब चिल्लाने लगे कि लाना मेरी करौली अभी इन सबको मौत की नींद सुलाता हूँ, इस बात को सुनकर सराय के लोग ये समझ बैठे कि कोई चोर है, तो उन्होंने भी मियां खुजी के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, इसी वजह से सराय में कोहराम मच गया स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 4 है हमारा, चौथा सवाल है स्टूडेंट्स मियां खुजी के साथ लोगों ने क्या सलूक किया, तो इसका जवाब देख लेते हैं। मियां खुजी के साथ लोगों ने क्या बर्ताव किया, मियां खुजी को चोर समझकर लोगों ने खूब खातिर तवाज़ो की, इतना मारा इतना ठोंका बजाया इतने लात घूसे रसीद किए कि मियां के अंचर पंचर ढीले हो गए स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 5 है हमारा रगे हमियत फड़क उठी, इसकी वजाहत कीजिए स्टूडेंट्स, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो इसका जवाब देख लेते हैं। रगे हमियत फड़क उठी, इसका मतलब ये है कि जैसे ही कुम्हार ने खुजी की जान बख्शी तो खुजी की गैरत जोश में आई, मियां खुजी ज़मीन पर बैठ गए और चिल्लाकर कहने लगे हटता है या करौली मारूं स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 6 है खुजी का दोस्त कौन था, तो इसका जवाब देख लेते हैं। खुजी का दोस्त आज़ाद था स्टूडेंट्स, खुजी का दोस्त जो था वो आज़ाद था स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 7 है खुजी आज़ाद की कौन सी बात सुनकर झूम उठे, खुजी जो है स्टूडेंट्स वो आज़ाद की कौन सी बात सुनकर झूम उठे, इसका जवाब देख लेते हैं। खुजी और उसका दोस्त आज़ाद दोनों
लोगों की महफिल से उकता गए थे और वह दोनों तुर्की जाना चाहते थे। स्टूडेंट्स, जब आज़ाद ने कहा कि हम आराम करके सुबह नवाब साहब से मिल लेंगे, ऐसे दुनिया का रस्म भी अदा हो जाएगा और उनसे रुख्सत भी ले लेंगे, उनकी ये बात सुनकर स्टूडेंट्स खुशी खुशी से झूम उठे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का एक और पार्ट है। स्टूडेंट्स, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचे जो भी अल्फाज दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला लफ्ज़ दिया हुआ है फ़ायदामंद, तो फ़ायदामंद पर एक जुमला बनाएंगे। मेरे लिए घर जाना फ़ायदामंद है, मेरे लिए घर जाना फ़ायदामंद है। नेक्स्ट है बेजार, तो बेजार पर एक जुमला बनाएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे से बेजारी दिखाई, स्टूडेंट्स मेरे दोस्त ने मुझसे बेजारी दिखाई। नेक्स्ट है सदमा, तो सदमा पर एक जुमला बनाएंगे। मुझे जब ये खबर मिली तो मुझे बहुत सदमा पहुंचा, मुझे जब ये खबर मिली तो मुझे बहुत सदमा पहुंचा। फिर नेक्स्ट है करोली, तो करोली इस पर एक हम जुमला बनाएंगे। एक शिकारी ने एक परिंदा को एक करोली मार दिया। नेक्स्ट है बसेरा, तो इस पर एक जुमला बनाएंगे। जंगल में चिड़ियों का बसेरा होता है, जंगल में चिड़ियों का बसेरा होता है। फिर हमारे एक्सरसाइज का एक और पार्ट आता है स्टूडेंट्स, नीचे लिखे हुए मुज़क्कर अलग कीजिए, मुज़क्कर को अलग करना है। स्टूडेंट्स, सराय क्या है स्टूडेंट्स, मुज़क्कर है, सराय मुज़क्कर है। नेक्स्ट है कुम्हार, तो ये भी मुज़क्कर है स्टूडेंट। ज़मीन, तो ये मुअन्नस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मटका, तो ये मुज़क्कर है। किताब, तो ये फिर मुअन्नस है स्टूडेंट्स। प्याली क्या है स्टूडेंट्स, मुअन्नस है। हवा क्या है स्टूडेंट्स, मुज़क्कर है। नेक्स्ट है खुशी, तो ये भी मुज़क्कर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मोती, तो ये फिर मुअन्नस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है करोली, तो ये भी मुअन्नस है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अंडा, तो ये भी मुज़क्कर है स्टूडेंट्स। अमली काम में कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, इसी वजह से हमने आपको प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स। मनसबदार, ये स्टूडेंट्स एक मुरक्कब लफ्ज़ है जिसके मानी है ओहदेदार। हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, के दार लगाकर हमें पांच नए अल्फाज बनाने हैं, पांच नए अल्फाज बनाने हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला लफ्ज़ हमने क्या बनाया है, ईमानदार। नेक्स्ट क्या है, दुकानदार। फिर क्या है, दिलदार। फिर क्या है, शानदार। फिर क्या है, हिस्सादार। तो पांच जुमले बन गए स्टूडेंट्स और हमारा एक्सरसाइज में अमली काम जो दिया था वो भी कम्प्लीट हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज में हमारे अमली काम में एक और दिया हुआ है खुश मजाक, खुश और मजाक से मिलकर बना है, जिसके माना है स्टूडेंट्स अच्छा ज़ौक रखने वाला, शौक रखने वाला। स्टूडेंट्स ये सिफत है, इसी तरह खुश के साथ है स्टूडेंट्स दिल मिजाज रंगा और रहबत मिलाकर सिफत बनाने हैं स्टूडेंट्स। खुश के साथ कुछ दिल लगाइए, मिजाज रंग और बहत लगाकर जुमले बनाने हैं स्टूडेंट्स, पांच अल्फाज बनाने, सॉरी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले खुश के साथ हमने क्या लगाया, दिल, तो खुश दिल। फिर नेक्स्ट है खुश मिजाज, खुश के साथ खुश मिजाज। फिर नेक्स्ट है खुश रंग। फिर नेक्स्ट है खुश बख्त, खुश बख्त। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सवाल, ये एक जो ये जो सवाल है स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सटर्नल सवाल है, मतलब बाहर से सवाल दिया गया है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और हमारी टीम्स के रिगार्डिंग इस पर बात भी हुई स्टूडेंट्स, तो उन लोगों ने कहा कि इस पर सवाल आ सकते हैं, तो हमने ये भी प्रोवाइड आपको करा दिया है कि मुहावरा किसे कहते हैं, इसका जवाब देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आप ज़्यादा बढ़िया से याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में इसको आने के ज़्यादा चांस हैं स्टूडेंट्स, तो इसका जवाब देख लेते हैं। जो लफ्ज़ अपने असली माने के बजाय मुख्तलिफ माने में इस्तेमाल होते हैं उसे मुहावरा और कहावत कहते हैं, जैसे मुर्गी की एक टांग यह एक कहावत है, मुर्गी की एक टांग यह एक कहावत है। उसकी असली माना मुर्गी का एक टांग समझ में आ रहा है, लेकिन उसका कहावती माना अपनी बात रहना है स्टूडेंट्स। तो ये मुहावरा किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स, ये आप इसको मतलब बढ़िया से याद कर लीजिएगा और इसको अपने दिमाग में जहन नशी कर लीजिएगा, अपने जहन में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है मुहावरा किसे कहते हैं ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।